दोस्तों पैसा हम सभी को प्यारा है, हम सभी को कमाना है, और अगर कमाना है ऑनलाइन तो यहाँ पे YouTube एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। और ऐसे में आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने सोचा होगा कि हम भी आते हैं YouTube पे, बनाते हैं एक चैनल, पोस्ट करते हैं कुछ वीडियोस और बाद में कमा लेंगे ढेर सारा पैसा। जो सवाल है वो ये है कि कितना ढेर सारा पैसा, इतना 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 कितना पैसा। फिर दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स इस बात पर रिसर्च करते हैं कि आखिर यूट्यूब 1000 व्यूज का कितना पैसा देता है। उसके अलावा आप में से बहुत सारे व्यूअर्स दोस्तों इंटरेस्टेड है ये जानने में कि आपके जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं वो एक महीने में कितना पैसा कमाते हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि मेरी एक महीने की यूट्यूब की कमाई क्या है। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए, मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा। सभी दोस्तों मिथ्स को साइड में रखकर आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रियलिटी की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। This video is powered by Wondershare DVD creator. Check description for more information. दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप आना चाहते हैं YouTube पे, एक चैनल शुरू करना चाहते हैं और आपका जो मकसद है वो है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना, तो प्लीज मत कीजिए, ये आपसे नहीं हो पाएगा। आप आज नहीं तो कल चैनल बंद कर देंगे। इससे बढ़िया ये है कि आप शुरू ही ना करें। और अगर आप शुरू करना चाहते हैं, अगर आप में दोस्तों जेन्युइनली कोई पैशन है, अगर आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आपको ऑल द बेस्ट। आप आइए यूट्यूब पे, शुरू कीजिए। ये बात मैं आपको लिख के देता हूं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो 6 महीने बाद आप डेफिनेटली यूट्यूब से काफी अच्छा पैसा कमा लेंगे। सवाल वापस यही आता है कि काफी अच्छा मतलब कितना अच्छा। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपसे कुछ मिथ्स के बारे में बात करता हूं, उनको दूर करता हूं। तो यहां पे सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट्स, शेयर का कोई भी पैसा नहीं मिलता है। बहुत सारे व्यूअर्स सोचते हैं कि सब्सक्राइबर्स ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा। दोस्तों ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, इसका दूर दूर तक इनकम से कोई भी लिंक नहीं है। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि आपको इनकम शुरू करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, 10000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। अगर आपके सब्सक्राइबर्स जीरो भी हैं तो भी आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। फिर यहां पे सवाल आता है कि अच्छा मतलब व्यूज का मिलता है पैसा। तो दोस्तों बात ये भी जो है वो आधी सच है। पैसा जो मिलता है वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स का। एड जो आपको मिलते हैं यूट्यूब की वीडियोस में, तरह तरह के जो आते हैं दोस्तों, नीचे से बैनर एड जो साइड में आता है, डिस्प्ले एड जो वीडियो की शुरुआत में आता है, मान लीजिए आप जो स्किप करते हैं, कई बार स्किप नहीं करते हैं, वो जो एड आता है, उन सभी एड्स का पैसा मिलता है। अब क्योंकि एड तभी आएगा जब आपकी वीडियो पे व्यूज आएंगे, तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि जो व्यूज हैं उनका पैसा मिलता है। अब सवाल वापस फिर ये आता है कि भाई इसका मतलब फिर व्यूज का पैसा कितना मिलता है, 1000 व्यूज में कितना, $1, $2? तो यहां पर दोस्तों आपको बात बता दूं कंप्लीटली क्लियर कि ये भी डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो पे जो व्यूज आए वो कहां से आए। वो US में देखी गई वीडियो, UK में देखी गई, कनाडा में देखी गई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, कहां पे। और ये दोस्तों अलग अलग कंट्रीज का जो रेट है वो अलग अलग चेंज होता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं इन जनरल एक डेवलपिंग कंट्री की और कंपेयर करता हूं उसको एक डेवलप्ड कंट्री के साथ में, तो यहां पे जो एड की रेट्स आपको मिलती हैं उस डेवलप्ड कंट्री में वो मिलती हैं करीब 6 से 8 गुना ज्यादा। तो अगर दोस्तों मान लीजिए आपकी कोई वीडियो है वो देखी जाती है इंडिया में और वही वीडियो दोस्तों उतनी ही बार देखी जाती है मान लीजिए अमेरिका में, तो आपकी जो कमाई होगी वो अमेरिका वाले केस में ज्यादा होगी। अब यहां पे हम दो टर्म्स लेके आते हैं जो है CPM और RPM। CPM का मतलब दोस्तों होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, यानी कि अगर आपकी वीडियोज में 1000 बार एड आते हैं तो उसका दोस्तों गूगल कितना पैसा ले रहा है उस एडवर्टाइजर से। RPM जो चीज है वो है रेवेन्यू पर 1000 इंप्रेशन, यानी कि गूगल दोस्तों अपना 45% का कट रखने के बाद में आपको उन 1000 इंप्रेशंस का कितना पैसा दे रहा है। अब यहां पे आपको एक बात देखनी जरूरी है कि जो आपको एड मिलते हैं वीडियोस में वो हर एक व्यू पे नहीं मिलता है, हो सकता है कभी ऐड आएगा कभी नहीं आएगा। जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से वो ये है कि करीब करीब 25 से 40% के आसपास जो है व्यूज में आपको ऐड मिलता है, बाकी में नहीं मिलता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई मेरी वीडियो दोस्तों जिसको देखा गया 1000 बार, तो वहां पे आपको सिर्फ 250 से 400 बार में ही ऐड मिलेगा। तो ये सिंपल सा मैथ है। और यहां पे इतना भी दोस्तों सिंपल नहीं है कि आपको सिर्फ एक ऐड की रेट पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो कहां पे देखी जा रही है, तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। क्योंकि ये दोस्तों जो ऐड की रेट है ये रोजाना चेंज होती है, हर मिनट चेंज होती है, डिपेंड करता है कि क्या दोस्तों मार्केट चल रहा है, किस तरह से जो इकोनॉमी है वो ऊपर नीचे जा रही है, तो जो एड्स हैं वो सस्ते चल रहे हैं, महंगे चल रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, डिमांड कैसी है। बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो मैंने नोटिस किया, वो ये कि जब नवंबर में दोस्तों हुआ था डिमोनेटाइजेशन 500-1000 के नोट्स का, तब ऐड की रेट्स बहुत कम हो गई थी। जब भी अमेजोन की या फ्लिपकार्ट की कोई नई सेल आती है तो जो ऐड की रेट्स
दोस्तों बहुत ऊपर चली जाती हैं। तो ये दोस्तों बेसिकली वेरी करता है कि आपकी वीडियो कहां देखी जा रही है और जिस रीजन में देखी जा रही है उस रीजन में दोस्तों उस टाइम पे करंटली क्या मार्केट चल रहा है। इन जनरल जो मेरा चैनल है वहां पे जो व्यूअरशिप आती है वो है करीब 90% जो आपका एशियन दोस्तों यहाँ पे आपका रीजन है जहां पे इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, जहां पे आपको मिलती है हिंदी सुनने को। उसके अलावा जो बाकी 10% है वो आता है पूरी दुनिया से और ये डिपेंड करता है अलग अलग चैनल्स पे कि आपका जो कॉन्टेंट है वो कौन से रीजन के लिए फोकस्ड है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ये आते हैं जो सोचते हैं कि यूट्यूब पे वीडियोज बनाना तो बड़ा ही आसान है यार, मतलब बड़ा ही ईजी चीज है ना, वीडियो बनाओ, पैसा कमाओ, नोट छापो और बस कमा लो ढेर सारा पैसा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक नॉर्मल जॉब है, जैसे कि आपका कोई और जॉब हो सकता है आप एक टीचर हो सकता है दोस्तों आप कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ड्राइवर हो, कोई बिजनेसमैन हो, तो यहां पे दोस्तों ये भी एक जॉब ही है। जैसे कि आप अपनी नौकरी कंप्लीट करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वैसे ही एक जो यूट्यूबर है दोस्तों फुल टाइम वो भी अपना काम करता है सुबह से लेकर शाम तक, उसका जो काम है वो रहता है यूट्यूब के चारों तरफ घूमता फिरता हुआ और ऐसे में उसको एक महीने के बाद में पैसा मिल जाता है। जो पैसा मिलता है वो दोस्तों मिलता है वायर ट्रांसफर से आपके बैंक अकाउंट में और ये आएगा अगले महीने की करीब 22, 23, 24, 25 तारीख के आसपास, यानी कि आपकी जो जनवरी की दोस्तों कमाई है वो आपके अकाउंट में आती है फरवरी 22, 23, 24, 25, 26 तारीख के आसपास। बड़ा ही सिंपल हिसाब है। तो ऐसे में ये नहीं है कि ये काम आसान है, ये काम मुश्किल है। जो दोस्तों सभी अपना अपना काम करते हैं, सभी का काम अलग अलग होता है, हो सकता है कोई खेती करता है, हो सकता है कोई मैकेनिक है, कोई दोस्तों गाड़ी चलाता है, तो कोई इंजीनियर है, तो यहां पर सबका अपना अपना काम है, सबकी अपनी अपनी कमाई है। बड़ा ही सिंपल चीज है। यूट्यूब जो है वो एक अनकन्वेंशनल जॉब है, तो ऐसे में लोगों को लगता है कि अच्छा ही थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन ये दोस्तों एक नॉर्मल जॉब है और इंटरनेट के लिए एक बहुत ही पॉपुलर जॉब है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये वीडियो बनाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पर्सनली मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं यूट्यूब, मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि मैं यहां पे दुबई में जो मेरा फैमिली बिजनेस है उसको भी देखता हूं। पर्सनली मैं दुबई पुलिस सर्टिफाइड एक सिक्योरिटी सिस्टम इंजीनियर हूं, तो मैं वो काम भी करता हूं जो यूट्यूब है, वो कभी सुबह, कभी रात, कभी लेट नाइट, मैं पैरेलल में एज अ पार्ट टाइम काम अभी कंप्लीट कर रहा हूं। अब हुआ ये कि जब मैं इंडिया से वापस आया दोस्तों छुट्टियां मना के दुबई करीब 2 हफ्ते पहले, मैंने कुछ फोटोज पोस्ट की ट्विटर पे और इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे, जब मुझे मेरे ब्रदर ने एक कार गिफ्ट करी और उन फोटोज पे जो कमेंट आए, YouTube की कमाई है, YouTube से कितना पैसा मिल रहा है, YouTube की कमाई से ऑडी ले ली है, YouTube पे तो बोलते हैं कि कमाई होती नहीं है और यहाँ पे ये कार ले ली है, पीछे वो कार खड़ी है, गैराज में ये है, इतना सारा पैसा YouTube का पैसा, मतलब दोस्तों ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए। तो मुझे लगा कि भाई ये वीडियो बना के बताना जरूरी है आप सभी को, जिससे आप सभी जान पाए कि रियलिटी क्या है। ऐसा ना हो कि आप कहीं लालच में आके YouTube शुरू करें और बाद में पैसा आप कमा ना पाएं और आपके सपने सारे टूट जाएं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वो जो कार थी वो तो थी ऑडी A6। मैं अपनी YouTube की अर्निंग से जो जनवरी के महीने की थी एक मारुति अल्टो ले सकता हूं। इतनी दोस्तों YouTube से अर्निंग्स हैं। अब आप जान जाइए कि वो अर्निंग्स क्या होंगी। मैं आपको एक और आइडिया भी दे देता हूं कि जो जनवरी के महीने दोस्तों टोटल व्यूज थे वो थे करीब 12-12.5 मिलियन के आसपास। अब वो जो थे वो टोटल नंबर ऑफ व्यूज थे, वो एड वाले व्यूज नहीं थे, एड जो था वो उससे कम में आया था ना, 25-40% का जो यहां पे रहता है रेशो आपको पता है। तो अब 12.5 मिलियन व्यूज आए हैं वीडियोस पे सारे मिला के। जो मेन दोस्तों टारगेटेड रीजन था वो था इंडिया और इंडिया के आसपास। ऐसे में जो कमाई हुई वो हुई एक अल्टो के बराबर। अब आप जान जाओ, आप समझ जाओ, ऑडी ए सिक्स यूट्यूब कमाई से दोस्तों नहीं आई है, वो जो मैं बाकी काम कर रहा हूँ, जो मेरा बाकी बिजनेसेस हैं, जो मैं और करता हूँ काम प्रोफेशनली, वहां से दोस्तों बाकी सारी अर्निंग्स हैं। यूट्यूब जो है वो बड़ा है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों हो सकता है जो मेरे लिए बड़ा नहीं हो वो किसी के लिए बहुत बड़ा हो, और जो मेरे लिए बहुत बड़ा हो वो किसी के लिए कुछ भी ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों सब कुछ एकदम जो है वो चीज़ें रिस्पेक्टिव हैं। आप बस अपना आइडिया लगा लीजिए कि कितना व्यू का कितना पैसा इन जनरल अगर आपकी ऑडियंस इंडिया में है तो आपको मिल सकता है। फैक्ट्स आपके सामने हैं, चीज़ें आपके सामने हैं। आपको ऑल द बेस्ट अगर आप आते हैं यूट्यूब पे दोस्तों कोई भी अपना सपना लेके। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप दोस्तों यहाँ पे जेन्युइनली काम करते हैं बिना किसी लालच के, तो डेफिनेटली आप बहुत सारा अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पे न सिर्फ यूट्यूब की अर्निंग्स, इसके अलावा स्पॉन्सरशिप्स और एफिलिएट मार्केटिंग से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ज़मीन पे रहिए, रियलिस्टिक रहिए, कभी भी ये मत सोचिए कि आपको इतने पैसे मिलते हैं उतने पैसे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कुछ वेबसाइट्स भी हैं सोशल ब्लेड जैसी, जहाँ पे आपको XYZ कुछ भी फिगर देखने को मिल जाता है कि इतने हजार डॉलर्स पर मंथ। दोस्तों वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। सब कुछ डिपेंड इसी बात पे करता है कि आपकी वीडियोस कहां देखी जा रही हैं और वहां पे जो एड्स हैं वो
क्या आ रहे हैं। बड़े दोस्तों सिंपल यहां पे हिसाब है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिए। अगर दोस्तों वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि मैं आप रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।